मॉर्निंग क्लास थर्ड ओपन यूअर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर फोर्टी सेवन तो बच्चा पेज नंबर फोर्टी सेवन में हम रिविज़न करे थे यूज़ ऑफ ए एंड एंड डा का किस प्रकार से हम ए एंड डा का यूज़ करते हैं तो नाव टन योर पेज तो आज हम करेंगे इसमें ही जो मैंने आपको कल रूल्स बताए थे उसमें कुछ सेंटेंसेस हैं इनको हम करेंगे तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द तो आपको यूज़ करना है फिल फिल इन द ब्लैंक्स यू कहाँ पे द आएगा कहाँ पे एन आएगा और कहाँ आ आएगा तो सबसे पहले है ही वेंट अ पिस्टर टू मीट द प्रिंसिपल सेकेंड वी वेटेड दियर फॉर एन आवर थर्ड द सन इज साइनिंग ब्राइटली फोर्थ द बाईसाइकिल ओवर देयर इज माइ फिफ्थ देर आर सेवन डेज इन द वीक लुक एट द काट्स दे आर फ्लाइंग अप इन द स्काई तो कल भी जैसे मैंने आपको बताया था रूल्स क्या थे कि जिनमें श्योर होता है वहाँ पर दा लगता है और जहाँ पे हम श्योर नहीं होते हैं वहाँ पे ए और एन का यूज़ करते हैं इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं फिल इन द्लैंक्स विद ए ए एन द आपको ए एन दा का यूज़ करना है और जहाँ पे कुछ नहीं आएगा वहाँ पे आपको क्रॉस का निशान लगाना है जैसे सबसे पहले द अमेजन रिवर इज इन इज़ इन अ ब्राज़ील अमेजन रिवर कहाँ है ब्राज़ील में श्योर है दा का यूज़ हुआ द कुतुब मीनार इज़ अ टॉल टावर तो कुतुब मीनार क्या है सबसे ऊँची टावर है तो दा का यूज़ हुआ आई श्योर डैश डॉल्फिन इन दंगा रिवर तो यहाँ पे क्रॉस का निशान होगा यहाँ पे कुछ सुटेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे द आई शो अंकी द मंकी वॉज वियरिंग द कैब फिफ्थ माई फादर है वॉच फिर यहाँ पे भी क्रॉस का निशान आएगा मिशे शर्मा लिवस नियर माई हाउसेज सी इज एन आर्मी ऑफिसर और एर्थवाला सुहेल इज़ my फ्रेंड यहाँ पे भी क्रॉस का निशान आएगा तो यही आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे और बुक में भी करेंगे तो यहाँ पे हमारा ए एन और दा का यूज़ वाला complete हो गया है तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है आपका हाफ विली का इसमें complete हो गया है और इसमें हम आपका मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हाफ फिलनी में आपका आएगा आ, लेट्स रिवाइज फर्स्ट तक ही आएगा तो कल हम revision करेंगे इसमें लेट्स रिवाइज फर्स्ट का बाकी आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे ओके okay.